हेलो फ्रेंड्स, मैं हरपिंदर कौर। तुसी देख रहे हो इंग्लिश विद रूप। आज अपनी रीडिंग दी क्लास है, जिस दे विच मैं तुहानू 5 हैडिंग्स करके दसूंगी वी आपां हैडिंग्स दे आंसर किद्दां फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आने वाली वीडियो तुहानू मिलणगीआं, होर डिटेल वीडियोज़ मिलणगीआं। सो स्टार्ट करते हैं अज की क्लास। फस्ट क्वेश्चन है बी पैराग्राफ का हैडिंग फाइंड आउट करना है। ये भी मिसटेक नहीं करनी, ये भी ध्यान रखना भी तुम्हें ए उन्होंने करके दिखाया गया होगा, ये एग्जाम्पल होगी। सो बी का फाइंड आउट करना अपने फस्ट क्वेश्चन, फिर सी डी ई एंड एफ का। सो अपने हम फस्ट हैडिंग फाइंड आउट करना, तो अपन की करना पेगा बी पैराग्राफ रीड करना पेगा। सो हम आप बी पैराग्राफ जो रीड करिए, बी पैराग्राफ की फस्ट लाइन की कह रही है, ऑन द होरिजोन आर ऑप्टिकल कंप्यूटर्स। हूँ ऑप्टिकल कंप्यूटर्स तो पता लग रहा है भी इतने जी गल हो रही है अपनी कादे रिगार्डिंग की जा रही है, कुछ की ऑप्टिक्स की गल हो रही है, कुछ इनोवेशन हुई ने, ऑप्टिकल कंप्यूटर्स आए हैं, होरिजोन तो भी पता लग रहा है भी कोई न्यू चीज़ हुई है, इनवेंट हुई है। ठीक है, दीज कुड स्टोर प्रोग्राम्स एंड प्रोसेस इन्फॉर्मेशन बाय मीनस ऑफ लाइट पल्सेस फ्रॉम टाइनी लेजर्स रैदर दैन इलैक्ट्रॉन्स। कहिंदे ज़्यादा यूजफुल ने, ज़्यादा वधिया ने। ठीक है, एंड द पल्सिस वुड ट्रैवल ओवर ग्लास फाइबरस नॉट कॉपर वायर। हुणे ते आपां लास्ट लाइन पढ़ के देखते हैं। लास्ट लाइन दे विच की कहा गया, अ न्यू सर्ज इन फाइबर ऑप्टिक, मतलब कि आपां नूं ऑप्टिक की गल की गई है। फिर सर्ज भी हुंदा की हुंदा है, वी इहदे विच की हो रही है, इनक्रीज हुई है किसी चीज़ की। डिस इन लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस दैट हैज सैट द यूएसए ग्लास इंडस्ट्री अ $16 billion बिजनेस इंप्लॉइंग सम 150,000 वर्कर्स टू बिल्डिंग न्यू प्लांट्स टू मीट डिमांड। सो हुण जे आपां देखिए इहदे विच सारी गल ऑप्टिक्स की हुई है, उहदी मतलब कि ग्रोथ की ही गल की गई है, है ना। सो हुण ते फाइबर की गल हुई है। सो हुण आपां ने की करना हुंदा, उस तों बाद आपां ने हैडिंग मैच करना है भी किहड़ा हैडिंग अपने कोल मैच कर रहा है। हुण आपां हैडिंग्स रीड करते हैं। इहदे विच की किया गया, पहला हैडिंग ग्रोथ इन द मार्केट ऑफ ग्लास क्राफ्ट्स। इहदे ग्लास क्राफ्ट्स की गल की है, इस पैराग्राफ च क्राफ्ट की कितने भी गल नहीं हुई हैगी। जे ऑप्टिक्स हुंदा आपां इह ला सकदे सी, बट मार्केट की कितने गल नहीं हुई। नैक्सट कंप्यूटर्स एंड देयर डिपेंडेंस ऑन ग्लास, कितने डिपेंडेंस की गल नहीं की गई। वट मेक्स ग्लास टू सो अडैप्टेबल, सो अडैप्टेबल भी नहीं कितने दस्या हुआ भी ग्लास नूं उस तरह अडैप्ट करना वह कर देंदा। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ ग्लास की गल नहीं हुई। साइंटिस्ट ड्रीम्स कॉस्ट मिलियंस की गल नहीं हुई। आर्कीटेक्चुरल एक्सपेरीमेंट विद ग्लास की गल नहीं हुई। ग्लास एट गैलरीज फलरिश की गल नहीं हुई। सो नैक्सट ऑप्शन रह गई अपने को, एक्साइटिंग इनोवेशन इन फाइबर ऑप्टिक्स। ये कहते कि नहीं एक एक्साइटिंग आह ने अपनिया। सो यह आंसर अपना कि आजगा बी पैराग्राफ का, बी पैराग्राफ का आंसर आ गया फाइबर ऑप्टिक्स, क्योंकि सब पैराग्राफ सारे पैराग्राफ के यही गल हुई है। ठीक है जी, हूँ आप रीड करना सी पैराग्राफ। सो सी पैराग्राफ का देखना हूँ आप की हैडिंग है जोड़ा चूज कर सकते हैं। ठीक है जी, सो जे हूँ आप देखिए जाए सी पैराग्राफ, बट इट इज़ नॉट ओनली टेक्नोलॉजी एंड कमर्स दैट ग्लास हैज़ वाइडन इट्स होरिजोन। वाइडन इट्स होरिजोन का मतलब की है भी की हो रहा है, ग्रोथ हो रही है कादी ग्लास दी। ग्लास हैज वाइडन इट्स होरिजोन, द यूज ऑफ ग्लास एज आर्ट। हूँ आर्ट ते क्राफ्ट की हुंदा, सेम ही हुंदा। ट्रेडिशन स्पिन्स बैक एट लीस्ट टू रोमन टाइम्स इज ऑलसो बूमिंग। की हो रहा है, कहिंदे ये बूमिंग हो रहा है, वध रहा है, तो इस की भी हो रही है ग्रोथ ही हो रही है। सो हुण ग्रोथ कादे विच हो रही है, ग्लास एज आर्ट, मतलब कि क्राफ्ट की गल हुई है। सो हुण इधर अपना हैडिंग नंबर सीगा फस्ट, फस्ट हैडिंग की क्या है, ग्रोथ इन द मार्केट ग्लास क्राफ्ट। सो आंसर अपना की आजगा सी पैराग्राफ का। सिंपल गल, क्राफ्ट ते आर्ट की हुंदा, सेम हुंदा, ग्रोथ की गल करती, ग्लास की गल करती। सो मैच हो गया अपना हैडिंग। हुण आपां ने रीड करना डी पैराग्राफ। हुण देखना डी पैराग्राफ दे विच की गल की गई है। डी पैराग्राफ दे जे देखिया जाइए, बट नॉट एट ऑल ग्लास टेक्नोलॉजी दैट टचिज अवर लाइव इन अल्ट्रा मॉडर्न, कंसिडर द सिंपल लाइट बल्ब। एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी मोस्ट लाइट बल्ब्स वर हैंड ब्लोन एंड द कॉस्ट ऑफ वन वॉज इक्वलेंट टू हाफ अ डेज पे फॉर द एवरेज वर्कर। ठीक है जी, सो इतने हूँ की गई है, इन्होंने बल्ब वगैरह की गल की गई है। हुण इहदे विच आपां ने हैडिंग देखना भी आपां इहदे विच हैडिंग है किहड़ा लगा सकते हैं।
डी पैराग्राफ का। सो डी पैराग्राफ का आपां हुण हैडिंग देखना है। हुण जे देखिया जावे भी ये एक ग्लास दी ही कोई टेक्नोलॉजी उन्होंने दसी है ना, सो कोई टेक्नोलॉजी दी गल कीती है। फिर दोबारा ग्लास टेक्नोलॉजी वर्ड आ गया दे विच, उन्होंने की कहा अल्ट्रा मॉडर्न, कोई वधिया तरीका यूज़ किया गया है, ठीक है। सो सिंपल लाइट बल्ब की गल की, फिर उन्होंने कहा लाइट बल्ब वर हैंड ब्लोन, ठीक है। सो हुण जे देखे जावे तो इतने कितने ग्लास टेक्नोलॉजी अपना हैडिंग दे विच आना चाहिए। जे हुण आपां हैडिंग्स देखिए, फस्ट अपना आ नहीं सकता, आपां लगाता डिपेंडेंस की गल नहीं हुई, अडैप्टेबल की गल नहीं हुई, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की गल नहीं हुई, आर्कीटेक्चर की गल नहीं हुई। जो आप हम नैक्सट हैडिंग देखिए, दो हैडिंग ने नैक्सट अपने को, होर अ फॉर्मर ग्लास टेक्नोलॉजी एवरीडे यूज ऑफ ग्लास। हूँ सिंपल आप वधिया तरीके दस्या गया, सो आप आंसर की लगा देंगे डी का, इतने आंसर आ जूगा डी, नाइनथ आंसर आ गया डी का, ठीक है। क्योंकि सिंपल अपने को जेडे जेडे वर्ड्स मैच हुए अपने वही आंसर लगाता, ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं चाहिए होंगी अपने हैडिंग्स के लिए, ठीक है जी। हुण अपने रह गए ई ते एफ, हुण आप ई ते एफ पैराग्राफ पढ़ांगे ते उहदे विच आप आंसर है जिहड़ा फाइंड आउट करांगे जी, ई का आंसर अपना की आऊगा। हुण की कहा गया ई पैराग्राफ दे विच, ई पैराग्राफ अपना इतों स्टार्ट हो रहा, द सीक्रेट ऑफ द वर्सटैलिटी ऑफ ग्लास लाइज इन इंटीरियर स्ट्रक्चर। हुण लाइस तो गल पता लग रही है भी कोई चीज़ है जिहड़ी गल हो रही है अपनी, इत्थे कादी गल हो रही है भी लाइस कर रहा है। द सीक्रेट ऑफ वर्सटैलिटी ऑफ ग्लास लाइज इन इंटीरियर स्ट्रक्चर, ऑल्दो इट इज़ रिजिड एंड दस लाइक अ सॉलिड, द एटम्स आर अरेंज्ड इन अ रेंडम डिसऑर्डर फैशन, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिक्विड इन अ मेल्टिंग प्रोसेस, द एटम्स इन रॉ मटीरियल आर डिस्टर्ब फ्रॉम देयर नॉर्मल पोजिशन इन मोलक्यूलर स्ट्रक्चर बिफोर दे कैन फाइंड देयर वे बैक टू क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट ऑफ द ग्लास कूल्स, द लूजनेसनेस इन मोलक्यूलर स्ट्रक्चर गिव द मटीरियल बट इंजीनियर्स कॉल ट्रीमेंडेंस फॉर्मेबिलिटी विच अलाउज टेक्नीशियंस टू टेलर ग्लास टू वट एवर दे नीड। हुण जे इत्थे देखिया जावे सारी उन्होंने की कीती है, ग्लास दी ही गल कीती गई है। इहदे विच हुण आपां ने आंसर देखना वी आपां आंसर किहड़ा लगा सकते हैं भी। इहदे विच हुण एक तां लाइज दी गल हो रही है ना, एक इस तों बिना अपनी गल हुई है जी इहदे विच भी, शायद मे बी इह डिपेंड करदा होवे है ना। सो इन्होंने इतने देखे इस दसया गया है भी ग्लास में कि चीज़ है, मतलब कि उदा का ढाल दें, अडेप्टेबल बना दें। द सीक्रेट ऑफ वर्सटैलिटी ऑफ ग्लास इन लाइज इन इट्स इंटीरियर स्ट्रक्चर, कहते इंटीरियर स्ट्रक्चर तो वह करता है। पहला कहते की होंगी, ऑल्दो इट इज़ रिजिड, भावें कि कहें रिजिड है बट दस लाइक अ सॉलिड, फिर उन्होंने सॉलिड बना दिता जाता है, आई उन्होंने फिर अरेंज कर दिता जाता है, मतलब कि उदा के एनवायरमेंट च अडेप्टेबल होंगे भी ढाल दिता जाए। सो उन्होंने ग्लास में उदा ही फॉर्म कर दिता जाता है। सो आंसर अपने को इतने आ जूगा, अपन ऑप्शन दिती हुई है थर्ड ऑप्शन, वट मेक्स ग्लास सो अडेप्टेबल, की कहते उन्होंने बना। सो ये यही चीज़ा दसिया गई ने अपन ई पैराग्राफ के, ठीक है। सो अपना ई पैराग्राफ का आंसर आजगा थर्ड। हुण इस तरह एफ पैराग्राफ रह गया, एफ पैराग्राफ का हैडिंग अपने देखना भी अपन की गल की गई है, टूडे साइंटिस्ट कॉन्टीन्यू टू एक्सपैरीमेंट विद न्यू ग्लास मिक्सचर्स, एक्सपैरीमेंट की गल होगी, मिक्सचर्स की गल होगी, बिल्डिंग डिजाइनर्स की गल होगी, इमेजिनेशन की गल होगी। हुण देखिया जाए भी अपने को एक्सपैरीमेंट वाला कोई हैगा, जो देखा जाए तो इधर देखो जी इन्होंने की कहा, फस्ट नहीं लग सकता, सैकेंड रह गया से डिपेंडेंस ऑन ग्लास आ नहीं सकता, क्योंकि इस डिपेंडेंस ऑन ग्लास ई दे विच कोई गल नहीं सी हुई, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ ग्लास, हुण साइंटिस्ट ड्रीम कॉस्ट मिलियंस इहदी कोई गल नहीं हुई। हुण आपां ने नैक्सट एफ दा लगाउणा आर्कीटेक्चुरल एक्सपैरीमेंट विद ग्लास, ग्लास दे नाल ही एक्सपैरीमेंट किए गए ने, सो आंसर आ जूगा एफ दा, क्योंकि देखो अपन ने इत्थे वर्ड जिहड़े उह किते ने एक्सपैरीमेंट मिक्सचर्स बिल्डिंग डिजाइन ये सारा की है आर्कीटेक्चर ही वह किया गया। सो जिहड़े वर्ड तुहानू इंपोर्टेंट लगते होंगे उन्होंने अंडरलाइन कर लो, राउंड कर लो, तां कि तुहानू क्लीयर हो जाए जो तुसी रीडिंग कर रहे हो, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह तुसी अपने हैडिंग्स करने होंगे, हैडिंग्स के लिए कई कदे भी अपन ज़्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं होंगी, जिहड़ा फस्ट अपन ने हैडिंग चूज़ करता उही अपना हैडिंग है जिहड़ा
ट्रू हुंदा है, सो अपने आंसर भी चेंज ना करया करो। ठीक है फ्रेंड्स, ये सी अपनी आज दी क्लास। इस तो बाद तुहानू राइटिंग दी क्लास देखण नू मिलूगी, जिस दे विच मैं तुहानू टास्क 2 एक्सप्लेन करके दसूंगी। तो उस तो बाद आपां एक स्पीकिंग दी फुल क्लास है, जिस दे विच पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ते वीडियो मिलूगी। ओके फ्रेंड्स, जे तुहानू मेरी क्लास वधिया लगी तां लाइक जरूर करियो, शेयर जरूर करियो, तो मेरे चैनल नू सबसक्राइब करो ते बैल आइकन ते क्लिक करो तां कि आने वाली वीडियो दी नोटिफिकेशन तुहानू मिल सके। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नवी वीडियो दे नाल। बाय बाय, टेक केयर।